हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। हम भी अपने घर सही हैं। तो आप मुझे कई बार कहते हो कि आंटी, आप कुछ भी खाना बनाते हो तो उसकी रेसिपी दिया करो। तो मुझे चीना कह रही थी, मम्मी आप मुझे व्हाइट वाले छोले बना के दो। तो मैंने कहा, तेरे को कौन से व्हाइट चाहिए, ये ब्लैक वाले चाहिए? कहती नहीं नहीं ब्लैक नहीं चाहिए, व्हाइट वाले छोले को ब्लैक करके बनाना है। यानी कि उसका ये मतलब था कि व्हाइट छोले लेके आओ और उसको पिंडी छोले की तरह कन्वर्ट करो। तो अब कई लोग तो चाय पत्ती का पानी डालते हैं और कई लोग आंवले डालते हैं। मैं ना आंवले डालूंगी ना ही मैं चाय पत्ती का पानी डालूंगी, तो मैं आपको कुछ अलग तरह से रेसिपी दूंगी। तो अगर आप भी चाहते हो कि अपने घर में अपने बच्चों को खुश करना कि वो व्हाइट वाले छोले काले काले वाले खा सके, मतलब कि पिंडी चने खा सके, तो मैं आपको आसान सी रेसिपी दूंगी। तो आज तो चने बनाऊंगी, तो मैंने ये लिए हैं 250 ग्राम चने। तो अभी मैं इसको भिगोऊंगी, बिना भिगे बनेंगे नहीं, कम से कम इसको 6-7 घंटे भिगोऊंगी। अगर चने नहीं भिगे होंगे तो टेस्ट नहीं आता। राजमा हो गए, काले छोले हो गए, वाइट छोले हो गए, ये बिना भिगे अच्छे से नहीं बनते हैं। तो अभी मैं इसको 7-8 घंटे के लिए भिगोऊंगी। तो इस ये जो छोले हैं, भटूरे के साथ अच्छे लगते हैं, परांठे के साथ अच्छे लगते हैं, पूड़ी के साथ अच्छे लगते हैं, चावल के साथ अच्छे लगते हैं, मगर मोस्टली ये जो छोले होते हैं भटूरे के साथ अच्छे लगते हैं। तो मेरे को भटूरे बनाने का तो इतना टाइम नहीं है, अगर मैं बनाऊंगी भी सही तो चीना खाती नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। मैं कभी आपको भटूरे की रेसिपी भी दूंगी। आपने बाजार से भटूरे लेके आते हो तो कितना घी होता है, हाथ में सारा घी लगता है, घी घी होता है। मैं आपको ऐसी रेसिपी दूंगी जिसमें कि भटूरे तो बनेंगे मगर हाथ में बिल्कुल घी नहीं आएगा, यानी कि बिल्कुल सूखे सूखे, मतलब घी बनेंगे तो घी में ही, कढ़ाई में बनेंगे, कढ़ाई में ही बनेंगे, मगर हाथ में नहीं आएगा, हाथ में ऑयल नहीं लगेगा बिल्कुल। हाँ, हाथ में ऑयल नहीं लगेगा। तो इस तरह की दूंगी, अगली रेसिपी में दूंगी। इस बार मैं आपको बनाऊंगी पिंडी चने। तो चलते हैं किचन की ओर। पहले चने को अच्छे से 5-6 बार वॉश करते हैं, उसके बाद इसको भिगोते हैं, फिर 6-7 घंटे बाद इसको उबलने के लिए रखेंगे। तो मैं धीरे धीरे आपको सारी रेसिपी साथ साथ, गाइस जो मैं आपको रेसिपी देती हूँ तो आप इस जो ब्लॉग है उसको स्किप मत किया करो। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि रेसिपी कैसे बनेगी। मतलब एक ही चीज़ का देखना बड़ा ज़रूरी है। कई लोग तो इतने गौर से देखते हैं, कहते हैं कि हम एक ब्लॉग को आंटी दिन में 5-5, 6-6 बार देखते हैं, और कई लोग ऐसे हैं बस स्किप करते रहते हैं। तो प्लीज़ बहुत मेहनत करते हैं हम गाइज आपके लिए। तो चैनल को लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो और आगे से आगे शेयर करो, और जो रेसिपी है उसको स्किप मत किया करो। मैंने छोले भिगो के रख दिए हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा देर छोले भिगो सकती, क्योंकि रात को मैंने बनाने हैं छोले। तो मैंने क्या करा है, इसको पानी को कोसा कर लिया है, यानी कि गैस पे मैंने रख के इसको पानी को कोसा कर दिया है। तो छोले अच्छे से भीग जाएंगे, क्योंकि सर्दी का टाइम है, पानी बहुत ठंडा होता है तो भीगने में टाइम लग जाता है। जिसके पास टाइम कम हो हमें, यानी कि हमने 3-4 घंटे के अंदर छोले बनाने हैं या 3 घंटे पे बनाने हैं, तो आप कोसे पानी करके भिगो दो तो छोले जल्दी भीग जाते हैं। तो बस मैंने इसको चने को भिगो दिया इतने पानी में, कुछ भी नहीं डाला इसमें, ना नमक ना कुछ, सिर्फ ऐसे ही भिगोए हैं, कोई नमक नहीं डलेगा, कोई कुछ नहीं डलेगा, बस हल्का सा कोसा पानी किया है। और इसमें ढक्कन को बंद करके इसको 2-3-4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। छोले हमारे अच्छे से भीग गए हैं, देखो गाइस एक एक दाना मोटा हो गया, अच्छे से भीग गए हैं। इसमें मैंने कोई सोडा नहीं डालना, कोई कुछ नहीं करना। तो इसके बस गैस पे इसको रखती हूँ, चढ़ाती हूँ, इसको उबालती हूँ, सिर्फ प्लेन पानी में, नमक भी नहीं डालना मैंने, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ छोले उबालने हैं बिना सोडे बिना नमक के। इसको कम से कम मैं 35 मिनट तक हल्की आंच पे, पहले सीटी आ जाएगी तो उसके बाद 35 मिनट इसको उबालूंगी ताकि अच्छे से गल जाए। छोले हमारे बिल्कुल उबल गए हैं, अब स्टीम में है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये स्टीम में है तो हम इसका छोलों का जब तक मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं गाइस 2 प्याज, आगे आप दिखा लो, 2 प्याज बड़े साइज के, 3 टमाटर, थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्च। आप एक भी हरी मिर्च डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। आप ना डालो वो भी आपकी मर्जी, पर मैंने डाली है। ये सब चीज़ें हम इसको मिक्सी में इसको काट के ऐसे सब चीज़ें हम इकट्ठी मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये सब चीज़ें हम ऐसे इसको हरी मिर्ची ऐसी साबुत डाल देते हैं और साथ में अदरक के छोटे छोटे हम टुकड़े कर लेते हैं ताकि पीसने में आसानी हो जाएगी, अच्छे से पीस लेंगे। तो इसको हम ऐसे करके वो तो 2 टुकड़े डाल दो करके डाल तो पीस जाएंगे। तो अब इसको मिक्सी में हम पीस लेते हैं, मिक्सी सामने ही पड़ी है, इसको हम मिक्सी
तो ये बन जाएगा सारा, टमाटर से पानी हो जाएगा सारा, मतलब लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, टमाटर में पानी होता है, पानी होता है, प्याज में पानी होता है, तो ये सारी चीजें, सब चीजें मैंने अच्छे से पीस लिए, ये इस टाइप का बन गया है। तो अब कढ़ाई रखते हैं, करूंगी पीली सरसों, जो कि मैं यही यूज करती हूँ, मस्टर्ड, तो हाँ मस्टर्ड ऑयल, मैं दो तरह की सरसों करती हूँ, काली वाली एक पीली वाली, एक पीली वाली। हाँ, तो काली वाली करती हूँ मैं जो सूखी चीज बनाती हूँ, और पीली वाली करती हूँ तरी वाली चीजें बनाने को। तो कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में देखो मैं इतना ही तेल डालूंगी, इतना ही डलेगा, ज्यादा नहीं डलेगा इसमें। तो इसको गर्म होने देते हैं, जब गर्म हो जाएगा तो ये सारा लिक्विड इसमें डाल देंगे, और इसको हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, सिम पे। हाँ, सिम पे। जब ये सारा पानी सूख जाएगा तो फिर बाद में बताती हूँ कि गाइज हमने क्या करना है। गाइज मैंने ये मसाला इसमें डाल दिया है, अब मैंने इसको आंच को हम कर देंगे सिम, और इसको ये बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं डालना, जब मैंने छोले उबाले थे छोले में कुछ नहीं डाला, ना सोडा डाला ना मैंने नमक डाला, खाली ऐसे उबाले हैं। अब इसको भी मैंने ऐसे ही बनाना है, तो इसका ढक्कन ऐसे ही बनाना है। अब इसको ढक देते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर है पानी, पानी है। प्याज में भी, प्याज ने भी पानी छोड़ा है, टमाटर ने भी पानी छोड़ा है, ये सारा अब हमने इसको सुखाना है पानी। अभी कुछ भी नहीं डालना, खाली ऐसे इसका पानी सुखाएंगे। अब मिलते हैं 10 मिनट बाद आपको। चने हमारे बिल्कुल उबल चुके हैं, देखो ये देखो गाइस, ये चने बहुत अच्छे से, ये देखो बहुत अच्छे से उबले हैं। अगर कच्चे रह जाए ना तो मजा नहीं आता खाने में, यानी कि अच्छे उबले चाहिए। मैंने इसको पूरा 40 मिनट उबाला है, भिगो उबल गए, हाँ भिगे हुए बिल्कुल अच्छे बन गए हैं। और एक तरफ हमारा बन रहा है ये मसाला, जो कि पानी हल्का हल्का है, सूख रहा है। तो गाइस ये सूखने देते हैं इसको, तो हम डालेंगे इसमें गाइस, ये बाजार से पैकेट आता है SDS, देखो गाइस SDS चना या छोले मसाला, इसमें होते हैं गाइस दो पैकेट, ये दो है। मैंने बनाए हैं पाव छोले, पाव छोले में एक पैकेट डलता है, सिर्फ एक, क्योंकि अगर मैं आधा किलो बनाती तो मैं दोनों पैकेट डालती, मतलब 35-35 ग्राम का एक पैकेट है, ये 35 ग्राम का, ये 35 ग्राम का, यानी कि आपको छोले में कुछ भी नहीं करना, ना नमक डालना है, ना मिर्च, ना हल्दी, सब टेंशन फ्री हो जाओ, और यही सिर्फ मसाला डालना है पूरा, बस इसको सिर्फ डालना है, और इसको ये देखो, अब ये देखो, घी छोड़ना शुरू कर देगा तो समझ लो मसाला पक गया। अगर आपने आधा किलो छोले बनाने हैं तो आप दोनों पैकेट डाल सकते हो, मगर मेरे घर इतने लगते नहीं है तो मैंने एक ही पैकेट डाला। तो आप अच्छे से दोबारा ये देख लो, किसी भी दुकानदार से आपको मिल जाएगा ये, मेरे ख्याल 55 या 57 रुपीस का ये पूरा पैकेट है, जिसमें दो है। हाँ, जिसमें दो है। तो कईयों की बड़ी फैमिली होती है, वो आधा किलो बनाते हैं, हम तीन बंदे हैं, चार बंदे हैं, इतने हैं नहीं, तो मैंने फिर आधा किलो नहीं बनाए, पाव ही बनाए। ये देखो मसाले का कलर चेंज हो गया, यानी कि हमने अपनी मर्जी से एक चीज भी नहीं डालनी, बिल्कुल 250 ग्राम के हिसाब से एक्यूरेट ही है ये मसाला। जैसे ही बन जाएगा हम इसमें डाल देंगे कुकर में, 5-7 मिनट। देखो छोले बनाते हैं तो रलाने तो है, और करछी से भी थोड़े थोड़े ऐसे फेले पड़ते हैं, ऐसे दबाने पड़ते हैं ताकि तरी गाढ़ी हो जाए। बाकी आप चाहे इसके साथ आप चावल बनाओ, पूड़ियां बनाओ, भटूरे बनाओ, परांठे बनाओ। अब आप बताओ आप क्या खाओगे? नहीं, मैं तो कुछ खा लूंगा, परांठे वगैरह जो। आप बताओ क्या खाओगे? अरे मैं तो परांठे खाऊंगा, उसके अलावा कुछ ही खाऊंगा। पूरी खाओगे तो पूरी बना दूंगा। हाँ, पूरी देख ले, पूरी बना दियो। हाँ, वैसे नहीं भटूरे नहीं, पता क्यों? खा लो। रात के टाइम भटूरे हैवी हो जाएंगे, तो भटूरे वो बनाइयो जो एक बार तूने बनाए थे ना, जिसमें ऑयल नहीं लगता हाथ में, वो बनाइयो, मतलब कढ़ाई से निकाल के बिना ऑयल के, हमारे घर कोई आ जाए तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है कि इसमें नमक कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, हल्दी कितनी डालनी है। आप किलो छोले भी बना सकते हो, किलो छोले बनाओगे आपके इतने सारे बन जाएंगे कि लगेंगे क्या, दो पैकेट। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, और थोड़ा सा मतलब ये
अदरक डालना है आप, मैंने इतना एक एक डाला है, जब आप आधा किलो बनाओगे तो चार चार डाल लो। लता मेरे हिसाब से ना शायद जो आंवले जो सूखा आंवला होता है, हाँ, सूखे आंवले को उसका उसको पीस के उसको डाला है तभी कलर चेंज होता है। हाँ, तभी कलर चेंज होता है। यानी कि टेंशन तो नहीं है, टेंशन फ्री तो नहीं है ना। हाय हमारे घर कोई मेहमान आ रहा है, पता नहीं छोले कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। आपके लिए हमेशा के लिए अच्छे छोले बनेंगे क्योंकि आपका पूरा एक्यूरेट है। अगर आपने किलो बनाने हैं, आधा किलो बनाने हैं, तो मैंने दो प्याज डाले, आप आधा किलो में चार डाल लो, दो टमाटर की जगह चार टमाटर कर दो, दो हरी मिर्च की जगह हरी मिर्च आप अपनी मर्जी है डालो ना डालो, अदरक मैंने इतनी डाली आप इतनी डाल लो। तो एक बार एक काम करियो, पैकेट की पीछे पड़े हो, इसके अंदर आंवले का चूरन डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, क्या डाला चूर भी है इसमें, इकट्ठे कर देता है, इकट्ठे कर देता है। मैं कहती इतने टेस्टी छोले बनते हैं, इतने टेस्टी गाइस, आप जरूर बनाना मेरे कहने पे एक बार, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बनते बहुत टेस्टी है। हमारी चीना बड़े शौक से खाती है, मुझे कहेगी मम्मी व्हाइट वाले छोले बनाओ जो काले हो जाते हैं, निकलने का रहता है ऐसे तो। चीना जरा ज्यादा शौक से खाती है। और इसमें घी की भी इतनी वो नहीं है कि घी ज्यादा डालना, जैसे घी ज्यादा डालना होता है तो पता है घी होगा तो अच्छा मसाला बनेगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें डालो बस उसने अपना रंग छोड़ जाएगी, कलर छोड़ देगा। बस मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया, बाकी गाइस आपको खुद देखना है कि आपको पानी की कितनी नीड है। आगे आके दिखाओ कि छोले, ये देखो गाइस, ये देखो छोले काले हो जाएंगे धीरे धीरे। और पानी आपको देखना है कि आपने अपने किस हिसाब से डालना है, अगर आपको पानी ज्यादा लग रहा है तो पानी आप सुखा सकते हो, आपको हल्के तरी वाले खाने हैं या बिल्कुल सूखे खाने हैं, आपको जैसे खाना है ये आपको देखना है कि कैसे बनाने हैं। आपको पता है ये थोड़ा पानी रखना पड़ता है, घंटे डेढ़ घंटे बाद ये छोले जो होते हैं और गाढ़े हो जाते हैं, पानी सूख जाता है, पानी सूख जाता है। तो हर चीज आपको पता ही है कि जब ताजी ताजी बनाओ तो तरी तरी होती है, दाल भी हो कुछ हो तो गाढ़ी हो जाती है, ये अपने आप बड़े बड़े गाढ़े हो जाते हैं। हाँ, तो ये बस छोले थोड़े से उबल जाएंगे तो दो चार मिनट मैं इसको हिलाऊंगी अच्छे से, उसके बाद इसको मैं हरे धनिए से गार्निश करूंगा और गरम, और कुछ नहीं डालना गाइस, सिर्फ हरा धनिया डालना है, आपको इसमें लहसुन भी नहीं डालना, अगर आप डालना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, मगर इसमें लहसुन नहीं डालना। तो अब बनते हैं तो आपको दिखाते हैं। प्याज प्याज डाला है, डाला है, टमाटर डाला है, हरी मिर्च डाली, अदरक डाला है, लहसुन नहीं, लहसुन डाला। तो अभी उबल जाएंगे, तो उबलने के बाद फिर ये 5-7 मिनट इसको मैं गैस पे रखूंगी ताकि अच्छे से रल जाएंगे, तो उसके बाद इसमें धनिया डाल देंगे। अगर आपको पानी कम बढ़ो तो गाइज आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कईयों को तरी वाले अच्छे लगते हैं, अब जैसे हमने चावल बनाने हो तो चावल के साथ तो तरी चाहिए होगी, मगर पूरी के साथ भटूरे के साथ नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा सूखी चीज अच्छे लगते हैं। तो आप जैसे बनाना चाहे, तो गाइज बहुत अच्छे बनते हैं, एक बारी मेरे कहने पे आप बनाओ, कहीं दुकान से जाके पूछ लेना SDS का मसाला, इसके एक मसाला नहीं आता, चना मसाला नहीं आता, बहुत तरह के मसाले आते हैं, पनीर मसाला, राजमा मसाला, बहुत तरह के है, लाल चटनी मसाला, जो डोसे के फ्लेवर फ्लोवर सब बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ है हमारे यहाँ, तो पूरी मार्केट में हर किसी के पास है। तो आप SDS का नाम लेना तो गाइस बहुत अच्छा है, तो जब बनाओ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसे लगे। अभी बन जाए तो मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि कैसे बने। छोले मेरे हो गए हैं बनके तैयार गाइज, अच्छे से देखो इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे बने हैं, टेस्टी बने हैं। तो गाइज अगर आपको मेरे छोलों की रेसिपी, मेरी क्या है ये तो पाउच ही डाला है, अगर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, छोले अच्छे लगे हो, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोग भी ऐसे बना सकें। तो मिलते हैं कल आपको नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए Bye-bye.